हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पॉप वर्क। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, एंड फिर हम देखेंगे कि उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना होता है। देन वी विल सी वेरिएशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें हम एक चार पॉइंट देखेंगे। एंड एट द एंड जो फोर्थ पॉइंट देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एंड देन फिर हम इस फोर्थ पॉइंट के जो ये हमने ग्राफ बनाया है इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकलेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, अगर कोई भी एनर्जी, मतलब कोई भी वेवलेंथ की अगर कोई एनर्जी आ रही है किसी भी वेवलेंथ की और वो इस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, देन दिस बॉडी विल बी टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, इतना पता था। अब दूसरी चीज, ब्लैक बॉडी कभी ब्लैक नहीं होती, मतलब ब्लैक भी हो सकती है बट ऐसे जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो। अब जैसे गर्मियों में हम कपड़े पहनते हैं तो ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो बोलते हैं कि मत पहन, ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ब्लैक सारी जितनी भी वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी हमने देखा कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो सारी एनर्जी, सारी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरी चीज, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वन होता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक किसी भी वेव को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या हो गया? वन हो गया। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं। इंटेंसिटी का मतलब देखो, जैसे अगर एक सीएलएफ है, ठीक है, जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट की इंटेंसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। तो वही चीज हम इधर देखेंगे कि एनर्जी की इंटेंसिटी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये अभी हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक ब्लैक बॉडी है और अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो जो इसकी रेडिएशन निकलेंगी वो हर एक वेवलेंथ की निकलेंगी। अब हर एक वेवलेंथ से क्या मतलब है वो आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द ओरिजिन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ हीटेड बॉडी इज द रैपिड वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स नोन एज ऑसिलेटर्स। इसका क्या मतलब है कि जब यहां से पार्टिकल्स निकलेंगे तो जो ये ऑसिलेटर्स होंगे इनको हमने क्या बोला, ये जो वाइब्रेटर्स होंगे जो वाइब्रेट करके यहां से निकलेंगे उन्हें हमने क्या बोला, ऑसिलेटर्स बोला, ठीक है। तीसरी चीज, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स ईएम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, दीज ऑसिलेटर्स रेडिएट्स एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। तो ये जो वेव्स निकलेंगी इनकी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। ये तीन पॉइंट क्लियर, आई होप क्लियर होंगे। ब्लैक बॉडी बिल्कुल ठीक समझ में आ गया होगा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये तीन पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो आता है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद लैम्डा एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम एज। देखो ये ग्राफ है, अब ये लैम्डा है और ये ई लैम्डा है, ये एनर्जी है, ये लैम्डा है और ये टेम्परेचर है। सबसे पहले केस में हमने टेम्परेचर रखा 1000 केल्विन, तो हमारे पास क्या मिला कि एक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिली एक पर्टिकुलर लैम्डा पे, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमें 1200 केल्विन करा, तब हमें एनर्जी की फिर से मैक्सिमम वैल्यू मिली एक पर्टिकुलर लैम्डा पे। जब हमने और 1400 करा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिली एक पर्टिकुलर लैम्डा में, और जब हमने 1600 करा तो हमने पर्टिकुलर लैम्डा पे एक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिली। और हमको क्या मिला, हमने ये देखा कि एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जितनी एनर्जी यहां से गई, मतलब अगर एनर्जी कांस्टेंट होती तो ग्राफ ऐसा होता ना, तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, एनर्जी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम हो रही है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो जब हमने टेम्परेचर यहां इंक्रीज करा तो जो ये लैम्डा था ये डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लैम्डा डिक्रीज हुआ, ठीक है, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा टी इज नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट, और ये आगे अभी हम पोस्टुलेट में देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो हमने इसमें देखे थे, और अब हम इसके एक बार कंक्लूजन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यार आप देख लेते हैं कंक्लूजन, जो हमें फिगर्स इस फिगर से जो हमने कंक्लूजन निकाले उन कंक्लूजन को जरा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ हॉट बॉडी। ये मैंने पहले भी बता दिया था,
कि जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कभी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम हो रही है या कभी डिक्रीज हो रही है, कभी मिनिमम हो रही है और कभी मैक्सिमम हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। दूसरा, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। जब हमने यहां से वेवलेंथ बढ़ाई तो हमारे पास एनर्जी बढ़ी और एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू पे हमारे पास एक मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू आई। आगे जब हम गए तो एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हुई जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज हुआ। तो हमने क्या देखा, एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ी, मतलब ये एनर्जी ही है, एनर्जी बढ़ी जब हमारे पास वेवलेंथ बढ़ी, वेवलेंथ बढ़ी एनर्जी बढ़ी, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो मैक्सिमम हुई। और इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीजेस सच दैट, हमने देखा था कि टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ वेवलेंथ डिक्रीज होगी, मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो लैम्डा इधर जाएगा, लैम्डा टी कांस्टेंट हो जाएगा, लैम्डा एम इनटू टी इज कांस्टेंट, दैट इज 0.2896 सेंटीमीटर केल्विन। अब इस पूरी टर्म को हम एक वो बोलते हैं, मतलब एक लॉ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेन्स लॉ। ये वेन्स लॉ वो नहीं है जो अभी हमें पढ़ना है, वो अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से कि वेन्स लॉ क्या था, ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेन्स लॉ है ये। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेन्स लॉ, और आगे आने वाली वीडियो में हम वेन्स लॉ देखेंगे और रिलेजन जीन्स लॉ देखेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा ब्लैक बॉडी का अभी तक। ठीक है, तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक यू।